हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ न्यूज। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप खांसी से निजात पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे, तो कृपया आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप ये वीडियो में क्या क्या देख रहे हैं। तो ये वीडियो में आपको दिख रहा है TusQDx सिरप, जो खांसी के लिए फॉर ड्राई कफ सिरप है, सूखी खांसी के लिए सिरप है, जिसकी कंपोजिशन आप ये देख सकते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोरफेन और HBR क्लोरोफेनरामाइन एंड मेल्टेट, जो आप ये आगे देख सकते हैं, फेनाइल फेराइन SCL हाइड्रोक्लोराइड सिरप है। इसकी प्राइस 78 रुपया है, जो कि ब्लू क्रॉस कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ ये एंटीबायोटिक आप देख सकते हैं, मोनोसेफो CV200 mg। इसकी कंपोजिशन जो मिली हुई है वो सीफोडॉक्सिन प्रोक्सटेल एंड पोटेशियम क्लेवनेट 200 mg आपका सीफोडॉक्सिन और 125 mg आपका क्लेवनेट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से कितने मात्रा में मिला हुआ है। तो और इसकी प्राइस 245 रुपये है। ये अरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, आइए इसके अच्छे से यूजेस के विषय में जान लेते हैं। तो ये जो TusQDx सिरप है, ये आपके ड्राई कफ सिरप के सूखी खांसी के लिए है। ये सिरप जो आपको काफ़ी दिन से खांसी आ रही है, वह सही नहीं हो रही है, और वो सूखा खांसी है जो आपको खांसने पे बलगम या कफ नहीं निकलता है, वो आपके सीने में या गले में जाम रहता है, उसी खांसी के लिए ये सिरप है। और ये एंटीबायोटिक है इसलिए क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी दिन से है और आपका प्रॉब्लम जो है सही नहीं हो रहा है। तो ये एंटीबायोटिक इस सिरप के साथ चलाने में आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा, जिससे आपका प्रॉब्लम तुरंत सही हो जाएगा। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, आइए साइड इफ़ेक्ट विषय में जान लेते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ हो सकते हैं, जैसे आपके बॉडी में स्वेलिंग होना, लाल लाल चकत्ते पड़ना और चेहरे पे खुजली होना, खाना का अपच होना, बाल का झड़ना। अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको दिखती है जो खांसी से संबंधित न हो, तो आप उस समय इस मेडिसिन का प्रयोग करना बंद कर दें और अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसके डोजेस के विषय में बात कर लेते हैं। ये जो मोनोसेफो CV200 mg टैबलेट है, ये 10 टैबलेट के रैपर में आती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 टैबलेट यूज करना है, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम खाना खाने के बाद। और ये सिरप जो है TusQDx, इसे जब भी आप यूज करें हिलाने के बाद यूज करें। ये इसमें बॉक्स में जो इसके कैप है, इसमें रैपर दिया गया है। अगर बच्चों को देना है 10 साल के नीचे, तो केवल सिरप आप देख सकते हैं। अगर उनसे बड़े 12 साल से ऊपर, 14 साल से ऊपर लोग हैं, या बच्चे हैं, या बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उन्हें ये 10 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम देना चाहिए। और इस सिरप का प्रयोग करने के बाद उन्हें पानी 1 घंटे के बाद पीना है। तो फ्रेंड्स, ये थी TusQDx और मोनोसेफ CV के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।